अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता रामलीला मैदान कोटला रोड पर आहूत की गई, जिसमें अध्यक्ष सचिव द्वारा आज से होने वाली 15 दिवसीय रामलीला मंचन के बारे में जानकारी दी। श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष MLC डॉक्टर दिलीप यादव, सचिव RP सिंह ने वार्ता के दौरान बताया कि सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार रामलीला का मंचन किया जाता है। विगत 150 वर्षों से भगवान राम की लीला का मंचन किया जा रहा है, इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा। रामलीला में नगर निगम, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहता है, उनका सहयोग इस वर्ष भी मिल रहा है। शहर की जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मेला संयोजक श्याम सिंह यादव ने कहा कि मेले की पूरी तैयारी की जा चुकी है, इस बार भी भव्य राम बारात निकाली जाएगी, साथ ही रामलीला का मंचन भी बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वार्ता के दौरान हीरेंद्र सिंह यादव, उमेश चंद्र यादव, गिरिराज किशोर, पप्पू, राकेश अग्रवाल, इंद्र प्रकाश सिंह, रामबारात संयोजक अशोक यादव, प्रदीप मित्तल, सुरेश चंद्र यादव, मनोज यादव आदि लोग उपस्थित थे। देखिए हमारे संवाददाता करण कुमार की ये रिपोर्ट। भगवान राम के आदर्श का, भगवान राम के आदर्श का धार्मिक आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए पूर्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला कैसे थी, क्या थे, उनके आचरण क्या रहे थे, समाज को क्या संदेश दे रही थी, उस संबंध में शहर में एक परम्परागत करीब 1870 से रामलीला का आयोजन होता चला आ रहा है और इस वर्ष की आज दिनांक 22/9/19 से दिनांक 11/10/19 तक इसका आयोजन होगा। आयोजन के अंतराल में हमारे यहाँ 4 बजे से 8 बजे तक भगवान राम की रामलीला होती है और रात को 10 बजे से रात जतीत होने तक धार्मिक आयोजन है, भजन संध्या है, देवी जागरण है, बहुत से कार्यक्रम लगाए हुए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए भी नगर मजिस्ट्रेट हमें धमकी देते हुए कहते हैं कोई भी ऐसा आयोजन, चाहे भजन संध्या हो, चाहे ख्याल हो, चाहे देवी जागरण हो, कोई आयोजन बगैर हमारी परमिशन के नहीं कराया जाएगा। मैंने रात उनसे बहुत कहा कि मेला की प्रशासन हमने ली है, आयोजन का कार्ड आपको दे दिया गया है, जो आयोजन उसमें प्रिंटेड है वही कार्ड होंगे, कोई दुकानदार कोई आदमी आपके कंटेनर परमिशन नहीं लेगा। उन्होंने धमकी भी दी भैया बगैर परमिशन के आयोजन होता मिलेगा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और तुम्हारी स्थिति आजम खान जैसी कर दूंगा। आजम खान का स्थिति सुन रहे हो, क्या हुआ, कितने मुकदमा लगे, ये सब मुकदमा आपके गुस्सा हुआ